गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस हेवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और सभी आ चुके हैं यहाँ पर। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून नीलू, मुकेश सर, थैंक यू सो मच मुकेश, अरुण, अमन, सभी यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है अमन, चलो तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक का नाम है रेड डाटा बुक। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो टॉपिक है काफी लोगों के लिए नया है, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल रामविलास, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है पिछले 2 डेज से, तो सब लोग प्लीज अपना ख्याल रखेंगे, है ना, सब लोग अपना ख्याल रखिए और काढ़ा पीजिए, दूध पीजिए, दूध में हल्दी डाल करके, बहुत आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है विवेकानंद, सूरज, चलो सभी आ गए हैं, तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो रेड डाटा बुक होता है वह क्या होता है, और इस बुक के अंदर जो रेड लिस्ट है, लाल रंग की जो सूची है, उनमें किनको किनको रखा गया है और क्यों रखा गया है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलो। ठीक है अभिषेक, अंगद, सभी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा रेड डाटा बुक है, यह एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का यह सार्वजनिक दस्तावेज होता है, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। ठीक है अमन, ओके, हाँ स्नोफॉल हुआ है, बहुत ठंड है, अच्छा अपना ख्याल रखो बच्चा। चलो तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, तो रेड डाटा बुक जो है वह एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक तरह का वो यहाँ पर पब्लिक या सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पौधों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि कवक के बारे में, उन सभी को हम यहाँ पर रखते हैं। और वो सभी कैसे होते हैं, काफी दुर्लभ हैं, जो बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं और लगातार एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, यानी कि जो लगातार विलुप्त होते चले जा रहे हैं, जिनकी संख्या कम होती चली जा रही है मानवीय गतिविधियों के लिए, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसी को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहाँ पर रखा जा रहा है, एक बुक में रखा जा रहा है, रेड डाटा बुक। नमस्ते हिमानी, ठीक है शोभिता, ओके हेलो, नमस्ते, ठीक है चलो। अमित कुमार, हाँ सीजीएल की बायोलॉजी कब पढ़ाइएगा, अच्छा मैं बता देती हूँ, 1 तारीख को तो नहीं, 2 तारीख से आप लोगों का बायोलॉजी यहाँ पर मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, फाउंडेशन बैच। ठीक है खुर्देश, चलो आगे यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है प्रभाकर, चलो ठीक है। सोनिया यादव, नमस्ते नमस्ते, अच्छा सभी पुराने पुराने खास लोग आए हैं क्लास में। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अगेन यहाँ पर, कि अगर हम रेड डाटा बुक के बारे में बात करते हैं तो यह एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का यह सार्वजनिक दस्तावेज होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के पौधों को, जानवरों को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, जो प्रेस कोर्स है वो भी मेरा जल्दी आ जाएगा देवाशीष, और उम्मीद करते हैं 2 या 3 तारीख से आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो भी हमारा रेड डाटा बुक होता है वो हमें क्या देता है, एक प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें पूरा का पूरा एक पूरी जानकारी देने का काम करता है, ताकि जो भी हम रिसर्च है, अनुसंधान या फिर स्टडी, यानी कि जो कुछ भी हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी हमारा प्रोग्राम है, जो कुछ भी कार्यक्रम है, जो उनके आवास है जहाँ पर वो रहते हैं, उन सभी की जानकारी हम किस में पता कर पाते हैं, रेड डाटा बुक में हम यहाँ पर पता कर पाते हैं। ठीक है, और इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में, तो यह पुस्तक उन प्रजातियों की पहचान कराती है और सुरक्षा के लिए बनाई गई है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। यानी कि यह जो बुक है, यह क्यों यहाँ पर, ठीक है विकास थैंक यू, यह जो बुक है यह क्यों यहाँ पर बनाया गया है, ताकि हम जो विलुप्त होते प्राणी हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान यहाँ पर कर सके, और उनको विलुप्त होने से हम यहाँ पर बचा सके, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। थैंक यू सोनिया, ठीक है हिमानी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि रेड डाटा बुक कब बनाई गई थी, रेड बुक जो डाटा है उसके बारे में हम देखेंगे कि उसका जो संक्षिप्त इतिहास है, जो ब्रीफ हिस्ट्री है, वह क्या है। अब देखिए, अगर इसके नेम के बारे में बात करते हैं, तो द नेम ऑफ दिस बुक हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम रशिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है यह कहाँ पर बनाया गया है,
ठीक है कृष्ण यादव, नमस्ते बेटा, थैंक यू सो मच। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेड टाटा जो बुक है वो सबसे पहले उसका जो ओरिजिन हुआ है वह रसिया में हुआ है। कहाँ पर? रसिया में, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वह रूस से हुई है। और यह एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है लेकिन कोई भी इसको पढ़ाता नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए। तो मूल रूप से जो रूसी संघ है या फिर हम बात करते हैं RDBRF की जो रेड टाटा बुक के रूप में भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि रेड डाटा बुक का जो दूसरा नाम है वह क्या है, तो आप लोग यह कह सकते हैं कि इसको हम रशिया रेड बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रशिया रेड बुक भी इसको हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है निकेत। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दिस बुक वॉज बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्टेड बिटवीन 1961 and 1964 बाय बायोलॉजिस्ट इन रशिया। तो अगर हम इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो जो रशिया के यानी कि रूस के जो जीव वैज्ञानिक थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया था 1961 से लेकर के 1964 तक काफी ज्यादा शोध किया था। और इसीलिए इस बुक को क्या कहा जाता है? इस बुक को कहा जाता है रूसी रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। द रशियन रेड डाटा बुक भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ दो बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि रेड डाटा बुक का जो ओरिजिन हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो कहाँ से हुई है? रूस से हुई है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका कि रूसी रेड डाटा बुक क्या है। तो आपको बताना है कि रेड डाटा बुक को ही रूसी रेड डाटा बुक कहते हैं क्योंकि सबसे पहले रशिया में यानी कि रूस में ही इसको बनाया गया था, है ना। यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि संक्षेप में अगर हम बात करें तो रेड डाटा बुक प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध करता है। सूचीबद्ध करता है मतलब कि जो भी लुप्त प्राय प्राणी है, जो भी अब खत्म होने वाले हैं, उनको यह इंडेक्स की फॉर्म में लिख रहा है, एक सूची बनाता है ना, कि कौन बहुत लुप्त हो गए हैं, कौन विलुप्त होने की कगार पे हैं, कौन बहुत संकट में है, या फिर किनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे करके ये क्या करेंगे, इंडेक्स बनाने का काम करते हैं। और यह जो डाटा बुक है यह आपको क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। यह क्या कर रहा है, इसके अलावा यह आपको जानकारी भी दे रहा है। किस तरह की जानकारी दे रहा है कि क्यों एक प्रजाति जनसंख्या के रुझान और उसकी सीमा वितरण के साथ विलुप्त हो रही है, यानी कि क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि किसी स्पेशल जगह के जो स्पीशीज हैं, जो स्वदेशी हैं, जो स्वायत्त है वहां की, वो कैसी होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, तो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ना। तो इसकी इंफॉर्मेशन देने का ये काम यहाँ पर करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट होता है कि जो रेड डाटा बुक है वह कौन सा संगठन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित करता है, और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए ठीक है कृषु, इस बारे में बात करते हैं। चलिए तो प्रभाकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को अलग से भी बता दूंगी। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी किसके बारे में, IUCN के बारे में बात होगी। तो आपके एग्जाम में IUCN की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। IUCN की अगर आप फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर आप हिंदी में बात करते हैं, ठीक है अवधेश, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो सबसे पहले आपका जो एक क्वेश्चन है वह यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए कि एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो यहीं से ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि IUCN की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन जाएगा कि जो आपका रेड डाटा बुक है वह कौन प्रकाशित करता है, तो वो भी आपका कौन प्रकाशित कर रहा है, IUCN ही प्रकाशित करता है। क्लियर है। तो IUCN प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या काम करता है, बहुत सारी डेटा को एकत्रित करता है। जो क्या करेगा, इधर उधर जाकर के, जंगलों में जाकर के, गांवों में जाकर के क्या काम करेगा, जो डाटा है किसी भी जीव के बारे में उस डाटा को इकट्ठा करने का काम करता है। और कैसे एकत्र करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, आने वाले टाइम पर क्या इसकी संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है, या फिर क्या रीजन है,
फिर उसके बाद इस पे रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, फील्ड प्रोजेक्ट भी चलाता है। फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कि छोटे छोटे से जो कॉलेज के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भेजा जाता है कि पता लगाओ कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर क्यों इनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देख पाए तो लीगल कार्रवाई भी की जाती है। अगर मान लो कि अच्छे तरीके से चीजें नहीं हो पा रही है तो लीगल कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है। वेरी गुड हीरू, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एजुकेशन और शिक्षा में भी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, दूसरे नंबर पे बताया कि रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, तीसरे नंबर पर मैंने आपको यह बताया है कि जो भी आपका IUCN है वह क्या क्या काम करता है। एनालिसिस का काम करता है, रिसर्च का काम करता है, फील्ड प्रोजेक्ट का काम करता है, इसके अलावा एडवोकेंसी का काम करता है, लॉबिंग का काम करता है और एजुकेशन का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच कुरदीश, थैंक यू। पर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है बच्चा, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो, खाना खाते हुए भी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि संगठन IUCN रेड लिस्ट को संकुलित करता है और प्रसारित करता है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वह ये कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, किसका? IUCN का, IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह कहाँ पर है? तो आंसर आपको क्या करना है कि ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो जहां जहां से क्वेश्चन, ठीक है अवंतिका नमस्ते, तो जहां जहां से क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है वह मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल अनिकेत, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि हमने यह देखा कि जो कुछ भी हमारे पास डाटा आ रहा है, जो भी रेड बुक हमें बता रहा है उसमें कितनी श्रेणी है, यानी कि हम सभी को तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये नष्ट होने वाले हैं या फिर ये विलुप्त तो हो गए हैं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। तो हम उसको कितनी श्रेणी में बांट करके पढ़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है वह ये कि जो हमारा रेड लिस्ट है, जो हमारी लाल सूची है, ठीक है, जो हमारी लाल सूची है उसमें जो कुछ भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितनी सूची में बांट करके, कितनी तरह से उसको वितरण करके हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि 9 श्रेणियों में बांट करके, 9 कैटेगरी में बांट करके हम उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि लाल सूची में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी सूची में बांट करके पढ़ा जाता है। तब आपको आंसर करना है यहाँ पर कि 9 सूची में उसको बांट करके यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है जितेंद्र, ठीक है, गांव के दर्शन, ठीक है, चलो ठीक है भारती। अब यह कौन कौन से होते हैं इसको हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा आपको मैं एक डिफरेंट बात बताती हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से उसको आप लोग यहाँ पर समझना। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 9 सूची में सबसे पहला आता है यहाँ पर नॉन एलिवेटेड, यानी कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और गली में हमको कोई भी मच्छर हमारे पीछे पीछे हमें काटने के लिए भाग रहा है तो क्या आप नंबर को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर मच्छर के बारे में बात करते हैं तो जो मच्छर होते हैं उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो जो मच्छर होते हैं उनकी क्राइटेरिया नहीं है, वह कितने भी जनन कर सकते हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, जो कीड़े हैं उनकी अगर आप संख्या को देखते हो तो क्या उसके आंकड़े उपलब्ध हैं? नहीं, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो उनको हम छोड़ देते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कल को यह क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर डाटा डेफिशिएंट, यानी कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई रिस्क नहीं है। ऐसे अगर आप मुर्गी के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी मुर्गियां आपके पास दिख जाएंगी, तो मुर्गियां क्या हो रही है, खत्म हो रही है? नहीं,
हम उनको चिकन की तरह लोग खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन जो है उनका एग यूज कर रहे हैं, पर वो रिस्क में नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? डाटा डेफिशिएंट, यानी कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है कि वह मर रहे हैं। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लिस्ट कंसर्न, संकट बहुत कम है, संकट बहुत कम है, संकट बहुत कम है का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि अगर मैं किसी भी क्षेत्र के बारे में बात करती हूँ और मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ गाय के बारे में, तो मुझे यह मानना है कि इस क्षेत्र में लगभग कितनी गाय होनी चाहिए, 1000 गाय मिनिमम, कम से कम होनी चाहिए। और जब मैं सर्वे करवाती हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई गाय का नंबर तो कितना है, 1500 से लेकर के 2000 के आसपास है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यह लिस्ट कंसर्न है, यानी कि संकट बहुत ही कम है, हमें चिंता करने की अभी यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो रिलैक्स हो जाओ। चलो आगे हम बढ़ते हैं, नियर थ्रेटन, अब आएगा असली मजा, क्या नियर थ्रेटन, नियर थ्रेटन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका नियर थ्रेटन है, अब मैंने देखा कि ठीक है चलो मैं फिर से यहाँ पर सर्वे करवाती हूँ गाय का कुछ दिन के बाद, और मैंने देखा कि यहाँ पर 1000 गाय होनी चाहिए, और यहाँ पर मुझे गायों की जो संख्या है वह कितनी मिल रही है, मुझे मिल रही है लगभग 150 से लेकर के 1005 तक की, यानी कि 1050 से लेकर के 105 तक की गाय मिल रही है। तो मैं कहूंगी कि ठीक है अभी उतना कम तो नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में, यानी कि फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, तो आने वाले भविष्य में गाय की संख्या कैसी हो जाएगी, यहाँ पर आप बताएंगे कि डेंजर में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, डेंजर में चली जाएगी, समझ रहे हो। तो नियर थ्रेटेंड यानी कि संकट नजदीक है भाई, क्यों, क्योंकि हम तो मिनिमम 1000 लेके चल रहे थे ना। मैं यहाँ पे गाय का बेटा केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम 1000 के आसपास देख रहे हैं, 1050, 1005, तो नियर भविष्य में जाकर के, नियर फ्यूचर में जाकर के इनका जो, इनकी जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो यह रिस्क की तरफ हम अब यहाँ पर बढ़ रहे हैं, रिस्क की तरफ अब हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं अब वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील, क्या बात करेंगे अब हम यहाँ पर, संवेदनशील यानी हाई रिस्क। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई रिस्क है, क्यों, अब मैंने कहा था कि मिनिमम 100 यहाँ पर होने चाहिए, अब जो गाय है वह कितनी है, 1000 होना चाहिए ऐसा बोला था, तो 1000 ही गाय है, क्या है, 1000 ही गाय है, और 1000 से अगर एक भी कम हो जाती है, अगर मान लो 999 भी हो जाती है यहाँ पर, तो यह क्या बात हो गई कि एंडेंजर्ड है, बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वल्नरेबल के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही हाई रिस्क चल रहा है जानवरों के बीच में, ठीक है, कैसे चल रहा है, हाई रिस्क यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। चलो अब और इससे भी तकलीफ देख बात है, अब इससे भी ज्यादा डेंजर एक बात है, क्या बात है कि जब हम एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो आप यह देखेंगे कि चलो अभी तक तो ये जो गायें थी वह कहीं भी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हम एंडेंजर्ड संकटग्रस्त के बारे में बात करते हैं, तो इनकी जो जंगली प्रजाति है जिसका हम लालन पालन नहीं कर रहे हैं, इनकी जो जंगली प्रजाति है, जैसे कि अगर मान लो आप भैंस को देखते हो, नील गाय को देखते हो, जंगली भैंसे को देखते हो, जंगली गधे को देखते हो, तो वो तो आपकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन जब उनका भी नंबर बहुत ही तेजी से कम होता चला जा रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि वनों से भी नंबर कम हो रहा है, कहां से, वाइल्ड जो उनकी ओरिजिनल स्पीशीज है वो भी कैसी होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, तो उसको क्या कहा जाता है फिर, एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त उनको यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, संकटग्रस्त उनको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो फटाफट से नोट कर लो, यहाँ पर सभी को समझ आ रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट है वो है अब आपका क्या, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त।
अब जो आपका यह अति संकट ग्रस्त है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अति संकट ग्रस्त मतलब कि इनमें वनों के यानी कि जो इनकी जंगली प्रजाति है वह खत्म हो रही है, और पिछले दस सालों में इनकी 90% प्रजाति खत्म हो गई है। समझ गए बात को, फिर से समझो। क्रिटिकल एंडेंजर यानी कि अति संकट ग्रस्त की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 10 सालों से इनका नंबर तेजी से घटता चला आ रहा है, और जितने ये पहले थे उसमें से लगभग 90% जो है वह घट चुके हैं, वह मर चुके हैं। अब केवल 10% प्रजाति ही यहाँ पर जिंदा है। और अगर हम मैच्योर इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, यानी कि कोई भी एक व्यस्क जंतु को हम देख रहे हैं जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के काबिल है, वह उसका नंबर कितना है, सिर्फ 50% है। तो उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, क्रिटिकल एंडेंजर्ड उनको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सटिंक्टेड इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, वन से विलुप्त, क्या यहाँ पर क्या हो गया आपका, वन से विलुप्त, यानी कि अब इनका जो नंबर है वह वनों से भी खत्म हो गया है। पूरी दुनिया में 4 या 5 या 10 या कह सकते हो 50, सिर्फ इतने ही यह बचे हैं। और इनको बचाने के लिए हम बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह मर गए तो आगे अब इनके जैसे कोई भी जीव इस दुनिया में नहीं रहेंगे। समझ गए बात को, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो जैसे नेशनल पार्क वगैरह है तो उसमें तो ये सब आ जाते हैं, लेकिन जो आप सेंचुरी बनाते हो, अभ्यारण्य बनाते हो, जहां पर 1-2 स्पीशीज ही है पूरे दुनिया में, वो कहाँ पर आ रहे हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि वन से भी उनकी विलुप्ति हो गई है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। जैसे कि अगर आप यहाँ पर डोडो के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, डोडो के बारे में अगर आप बात करते हैं तो डोडो क्या है, एक पक्षी था, एक बर्ड था, जो आज से कई सौ साल पहले भारत में भी पाया जाता था, बांग्लादेश में भी पाया जाता था, ठीक है, लेकिन अब उसको हम देखें तो वो है ही नहीं, इस दुनिया से पूरी तरीके से वह खत्म हो चुका है। नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग, कोई भी यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी अब जानकारी आपको इनके बारे में नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वह इस दुनिया से कैसे हो चुके हैं, यहाँ पर विलुप्त हो चुके हैं। क्लियर है, ठीक है प्रभाकर, बात समझ आ गई है। चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम यहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक है निकेत, आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि IUCN रेड लिस्ट जो इंडिया की है उसके बारे में हम बात करेंगे 2019 तक, क्योंकि 2019 मार्च के बाद से अभी अपडेट वाला मुझे नहीं मिला है। जैसे ही मुझे थोड़े दिनों में अपडेट सूची मिलेगी, डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पर करवा दूंगी, ठीक है। चलो तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट इंडिया के बारे में, तो इस सूची के अंदर भारत, जो भी मैं अब आपको पढ़ाऊंगी वहां पर हम बात करेंगे भारत से, जो क्या हो रहा है भारत में, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो लुप्त प्राय है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस सूची यानी कि द लिस्ट इज अपडेटेड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इंडिया में अगर आप देखो तो IUCN के अंतर्गत कौन यह सर्वे करवाता है, कौन यह लिस्ट इंडिया के अंदर बनाता है, तो आंसर करना है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और यह पूछेगा कि इंडिया के अंदर जो लुप्त प्राय प्राणी हैं उनका सर्वे कौन करता है, उनकी लिस्ट कौन बनाता है, तो आंसर क्या करना है आपको, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड मेंबर, गंभीर रूप से जो लुप्त पाए प्राणी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ब्राइट फ्यूचर। बेटा मैं तुम्हारा कमेंट कैसे देखूंगी, लैपटॉप यहाँ रखा है ना, अब ऐसे हाथ में दुर्गा माता की तरह तो लेकर के नहीं घूमूंगी, तो यहाँ पे नीचे लिखा रखा हुआ है ना, तो कमेंट भी तो देखना होता है, नहीं तो कमेंट नहीं देखूंगी तो कहोगे मैम मेरे से बात नहीं करती हो, क्या करे बताओ।
चलो अब हम बात करेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड मैमल, गंभीर रूप से लुप्त पाए स्तनधारी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात होगी यहाँ पर हिमालयन भालू के बारे में। और यह जो भालू होता है वह कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको हम ब्राउन या फिर रेड बियर कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है उर्कोस आर्क्रोस एसाबेलम। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है हिमालयन ब्राउन और लाल भालू। तो आपसे ये पूछता है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लुप्त प्राय प्राणी कौन सा है, तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है यहाँ पर कि सबसे पहले यही भालू है जो नेपाल, तिब्बत, उत्तर भारत और उत्तरी पाकिस्तान में पाया जाता है। और या इसका जो विलुप्त हो रहा है या जो थ्रेटन है, इस ये क्यों यहाँ पर से गंभीर रूप से गायब होता चला जा रहा है, ठीक है सरस्वती, क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि इसके जो निवास स्थान है और इसका जो उत्पीड़न बहुत ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने नोट कर लिया। तो सबसे पहले आपसे अगर यह पूछता है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल कौन सा है, तो सबसे पहले आपको बताना है हिमालयन ब्राउन एंड रेड बियर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है यहाँ पर पैगी हॉक, ठीक है। अगर आप पैगी हॉक के बारे में बात करते हैं तो जो ये पैगी हॉक है चूहा की तरह दिखाई दे रहा है, पर असली में यह क्या है, एक पिग है। क्या है यह? एक तरह का सुअर है। और ये जो सुअर है यह दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है, जो दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि इस दुनिया में पाया जाने वाला जो सबसे छोटा जंगली सुअर है वह कौन सा है। तो आंसर क्या करना है आपको, पैगी हॉक। और सबसे दूसरी बात यह है कि आपसे और एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा सुअर है जो घोंसला बना के रहता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि यह प्रजाति पूरे वर्ष एक घोंसले का निर्माण करके रहता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। बिल्कुल, बच्चे अब यहाँ पर सुअर बना के भेज रहे। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग, और जंगली सुअर है, याद रखना, वो सड़क किनारे जो मिलते हैं वो वाले सुअर यह नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसको आज से 10 15 20 साल पहले देखते तो इंडिया में बहुत मिलता था, फिर यह नेपाल में भी बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन अब इतना ज्यादा इसका नंबर कम हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ यह असम में मिलता है। और असम में भी कहां पर मिलता है, जो आपका मानस नेशनल पार्क है। कहां पर मिल रहा है, जहां पर मानस नेशनल पार्क है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको आप सभी, अगर आप नोट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो लिख लो यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि ग्रासलैंड बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, घास के जो मैदान है वह कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या काम करते हैं कि जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो भी घरेलू घास चरने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम पालते हैं, तो वो घास इतना ज्यादा चरते हैं तो इनका जो रहने की जो जगह है ना, इनका जो घोंसला वगैरह है वो भी कैसा हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। दूसरा, लोग इनकी हंटिंग बहुत करते हैं क्योंकि इसका जो मांस होता है ये माना जाता है कि बहुत स्वादिष्ट होता है, तो इस वजह से लोग इसको मार मार करके खा जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई है। चलो आगे बढ़े, अब हम यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात करते हैं, और वह है अंडमान व्हाइट टूथेड स्ट्रू। अगर आप यहाँ पर बात करें तो यह एक तरह का क्या है बच्चा, यह एक तरह का छुछंदर है। क्या है यह? एक तरह का छुछंदर है। और कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान में पाया जाता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे। तो अगर आप यह देखें तो यह सिर्फ और सिर्फ साउथ जो अंडमान है, यानी कि जो आप दक्षिणी अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर ही यह पाया जाता है। और आप सभी को पता है कि जो छुछंदर है वो रात के टाइम पे कितना एक्टिव होता है ना, इधर उधर भागने का काम करता है, लेकिन इसका जो हैबिटेट है वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसका नंबर धीरे धीरे यहाँ पर कम होता चला जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि आप सभी यह देखोगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब आप सोचोगे कि मैम ग्लोबल वार्मिंग और छुछंदर का क्या रिलेशन हो सकता है? तो देखिए, जब ग्लेशियर पिघलेगा, सुनो ध्यान से कहानी,
हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ग्लेशियर पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो जो सी लेवल है वाटर, वह कैसा हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना, उठता चला जाएगा। और अंडमान क्या है, आइलैंड है, एक टापू है। और जो छछुंदर होते हैं वह बिल बना करके रहते हैं। बिल कहाँ बना के रह रहे हैं, पेड़ों के नीचे में। और जब वाटर लॉगिंग हो जाएगी, जब पानी का भराव ज्यादा होगा, तब क्या होगा, इनके बिलों में पानी घुस जाएगा और फिर क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। क्लियर है, ये मर जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंडमान का जो व्हाइट टीथेड क्रू है, यानी कि सफेद दांत वाला जो छछुंदर है, वह तेजी से क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। मैम, मेरे टीचर ने बोला था कि जो लोग अकड़ू होते हैं उनको ये छछुंदर काट लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, क्लियर है, ओके। पीछे पीछे देख बेटा, इसके बारे में अलग से कभी बताऊंगी कि तुम्हें कोई एक लड़की अगर रोज भेजती है तो क्यों भेजती है, सब कुछ बताऊंगी। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एक चूहे के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, एक चूहे के बारे में। अगर इस चूहे के बारे में बात करें तो इस चूहे का नाम है यहाँ पर कोंडाना रेट। और यह जो कोंडाना रेट है वह सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। और इंडिया में कहां पर, महाराष्ट्र में ही यह पाया जाता है। कहां पर, महाराष्ट्र में ही यह पाया जाता है, राइट। और महाराष्ट्र में भी कहां पर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पुणे में पाया जाता है, जिसको हिंदी में आप पुणे कहते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में यह पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, वहां के जो घने जंगल है वहीं पर पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी जो वितरण है, वह कम हो रहा है, इनकी संख्या कम होती चली जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगेन टूरिज्म की वजह से, पर्यटन की वजह से। क्यों हम जा रहे हैं, अरे वो देखो शेर जा रहा, अरे वो देखो हाथी जा रहा, लेकिन नीचे आपने क्या किया, जो चूहे का बिल था उसको आपने क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना, नष्ट कर दिया। अभी चूहे क्या हो गए, मर गए। क्लियर है, बात समझ आ गई है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनका जो रहने का आवास स्थान है वह खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है लार्ज रॉक रेड और एल्विरा रेड। अगर हम बड़ा रॉक चूहा और एल्विरा चूहा के बारे में बात करते हैं, जिसको शमशान एल्विरा कहा जाता है, इस चूहे की भी अगर आप बात करो तो ये भी कैसा होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। यह मीडियम साइज का होता है, रात के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बिल बना करके रहने वाला रोडेंट है, बिल बना करके रहने वाला यह चूहा होता है। क्लियर है, यह कहाँ पर मिलता है, तो पहले तो यह पूरे इंडिया में मिलता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यह तमिलनाडु में ही मिलता है। कहाँ पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही मिलता है। तो जो एस्टर्न घाट है उनके, एस्ट यानी कि जो पूर्वी घाट है तमिलनाडु के, सिर्फ और सिर्फ अब ये वहीं पर मिलता है। और किस वजह से इसका सत्यानाश हो गया बेचारे का, वो इस वजह से क्योंकि जिस फॉरेस्ट में ये रहते थे, जिस पेड़ के नीचे या बिल बना के रहते थे, वहां का जो लकड़ी है ना, मतलब जो जिस पेड़ में ये रहते थे उस पेड़ की लकड़ी का बहुत मूल्य था, तो पेड़ों को काटा गया लकड़ी के लिए। और जब पेड़ों को लकड़ी के लिए काटा गया, तब क्या हो गया, ईंधन के लिए काटा गया या फिर किसी और बेचने के लिए काटा गया। तो इनका जो हैबिटेट था, जो रहने की जगह थी, वो क्या हो गई, अपने आप खत्म हो गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा का विषय है, यह है आपका यहाँ पर नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल, यानी कि नाम दफा फ्लाइंग गिलहरी इसको यहाँ पर कहा जाता है। ये जो गिलहरी है, यह जो गिलहरी है, यह क्या है, अपने आप में बहुत ही यूनिक है और इसको हम उड़ने वाली गिलहरी भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी छलांगें लगाती है, तो दूर से ऐसा लगता है कि यह उड़ रही है, पर एक्चुअली में यह किसी बर्ड की तरह नहीं उड़ सकती है, पर यह छलांगें बहुत लंबी लगाती है, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग बहुत जबरदस्त लगाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लाइंग यानी कि उड़ने वाली गिलहरी इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर आपसे बाई चांस कभी यह कहा जाए कि उड़ने वाली गिलहरी कौन
कौन है, तो आप बताना कि नानदफा फ्लाइंग स्क्विल को ही हम उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर कहते हैं। दूसरी बात, पहले अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करो ना, तो जैसे अगर आप पूर्वी उत्तरी प्रदेश के बारे में बात करो तो वहां पर यह घने जंगलों में बहुत ज्यादा मिलती थी, पर इनका जो नंबर है अब तेजी से कम होता चला जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में जो आपका नामदफा है, ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो नामदफा जो नेशनल पार्क है और नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अभयारण्य है, उसके अंदर इसको बहुत ही ज्यादा क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट करके यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो बेसिकली नामदफा है वह क्यों फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि वह टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, लेकिन उसके अंदर क्या किया जा रहा है, इस नामदफा फ्लाइंग गिलहरी को भी बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके, सुरक्षित करके रखा जा रहा है। तो इस टाइम पे आपको कहाँ पर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में ही मिलेगी। चलो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मालाबार सिवेट के बारे में। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और मैं यहाँ पर बताऊंगी, पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो पहले यह दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मिलता था, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है, केरला में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? केरल में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? केरल में मिलता है, राइट। तो फटाफट से नोट कर लो कि अब ये कहाँ पर मिलता है, त्रावणकोर केरल में ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलता है। और लगातार क्या होता जा रहा है, यह थ्रेटन होता चला जा रहा है, इसका जो नंबर है वह लगातार घटता चला जा रहा है। इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जाता है, इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जाता है, या कुछ कुछ उद्बिलाव जैसा दिखाई देता है, पर ये उद्बिलाव या नेवला जैसा नहीं है, पर आप नेवला की ही एक प्रजाति इसको मान सकते हैं, पर यह केरला में ही सिर्फ आज के टाइम पर दिखाई देता है। क्लियर है, बात समझ आ गई है? चलो, तो जंगल के कटने की वजह से इनका जो नंबर है वह काफी कम यहाँ पर हो गया है। चलिए अब सब उसके बाद है यहाँ पर क्या, सुमात्रन गैंडा यानी कि सुमात्रन राइनोसोरस। आप सभी को पता है गेंडे के बारे में बात हो रही है, और यह जो गेंडा है यह पूरे विश्व में पाए जाने वाले गेंडे का सबसे छोटा प्रजाति है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पर हापू सिंह बहुत ही समझी, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, परेशान मत हो जाओ, ठीक है। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो जो सुमात्रन गेंडा है वह क्या है, पूरे विश्व में गेंडा की 5 प्रजाति पाई जाती है, और उन 5 प्रजाति में सबसे छोटी जो प्रजाति होती है, सबसे छोटी जो प्रजाति होती है वह कौन से, यहाँ पर सुमात्रन राइनोसोरस की ही होती है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चलो नोट करो इसको यहाँ पर। यह अभी कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता देती हूँ कि एक्चुअली में जो यह है यह साउथ इंडिया का ही एंडेमिक है, लेकिन इसको बचाने के लिए नॉर्थ ईस्ट ले जाया गया है ताकि यह अच्छे से रह सके। इसके आवासों को खत्म कर दिया गया, लॉस ऑफ द हैबिटेट, इसके जो आवास थे उनको नष्ट कर दिया गया, और इनकी ना पोचिंग बहुत हुई, इनकी जो तस्करी है इनके किसकी वजह से, खाल की वजह से, और इनके जो नोज पे जो ये सिंग बना होता है इसकी वजह से इनकी तस्करी बहुत ज्यादा हुई है, और इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है कि अगर हम देखें तो भारत में गैंडे की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, सुमित्रन गैंडा पाया जाता है। दूसरी चीज, यह विश्व में 5 प्रजातियां सिर्फ पाई जाती हैं आज के टाइम पर, पहले और भी पाई जाती थी लेकिन इस टाइम पर, है ना, आज कौन सी तारीख है, 30 तारीख है ना, तो 30 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 5 प्रजाति ही गेंडे की पूरे विश्व में पाई जाती है, और इसमें जो सबसे छोटी प्रजाति होती है वह कौन सी है, यहाँ पर सुमात्रन गेंडे की होती है। ठीक है, ये सारी चीजें अपडेटेड है बेटा, ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, अपडेटेड है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कश्मीर स्टैग और हेंगुल, यानी कि कश्मीर स्टैग यानी कि आप यहाँ पर इसको बारह सिंगा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पर बारह सिंगा कह सकते हैं, बारह सिंगा, कई लोग गा भी लिखते हैं, तो जो भी आपको लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर बारह सिंगा के बारे में बात करते हैं तो यह क्या है, यह रेड डियर, यह क्या है, यहाँ पर जो रेड डियर, जो लाल हिरण है ना, लाल हिरण, उसी की यह प्रजाति है।
उसी की यह प्रजाति है। आप सभी ने चिंकारा का नाम सुना होगा, है ना? तो चिंकारा इसी का ही भाई था, मतलब इन्हीं की ही एक दूसरी प्रजाति थी चिंकारा, जो आप सभी को पता होगा कि हम साथ साथ हैं के टाइम पर सलमान खान और उनके जो भी साथी कलाकार थे उन्होंने उनको मारा था, उनका शिकार किया था, जिसकी वजह से उनको दंड भी दिया गया है। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत फेमस केस है वह। तो वह क्या है, यही कश्मीर हंगुल का ही एक भाई था, लाल डियर, यानी कि जो लाल कलर के हिरण होते हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा किसमें रखे जाते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखे जाते हैं। तो राजस्थान में भी इनका उस टाइम पे काफी ज्यादा कम संख्या थी, लेकिन उस केस की वजह से अब उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ गया है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वह राजस्थान वाले की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है, यानी कि राजकीय पशु है, वह कौन सा है, तो भी आपको आंसर क्या करना है, हंगुल है, कश्मीरी स्टेग ही वहां का यह आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका जो नंबर है वो तेजी से कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। ऊपर से जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे बकरी, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, खच्चर, जो हमने इतना कुछ पाला है, वो क्या काम करते हैं, जो भी ग्रासलैंड है, जो भी घास है, उसको खा खा करके वह खत्म कर रहे हैं। तो इनको खाने के लिए घास नहीं मिल पा रही है, ये भी एक बड़ा गंभीर समस्या है। तो जो जंगली प्राणी हैं उनको खाने के लिए घास नहीं मिल पा रही है, तो उससे भी वो कमजोर हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं और फिर वह मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है पोचिंग। अगर आप हिरण के बारे में बात करते हैं, बारहसिंगा के बारे में बात करते हैं या हंगुल के बारे में बात करते हैं, तो जो भी यह हिरण की प्रजाति होती है, बारहसिंगा की जो प्रजाति होती है, इनका सबसे ज्यादा पोचिंग और हंटिंग किया जाता है, शिकार किया जाएगा और फिर इसकी तस्करी बहुत ज्यादा की जाएगी, चाहे वो इसके खाल के लिए हो, जैसे अभी इसके आगे मैं आप लोगों को कस्तूरी मृग के बारे में भी बताऊंगी, तो उसमें कस्तूर के लिए, है ना, जिसमें आप सुगंध के बारे में बात करते हैं, तो जितने भी हिरण है उनकी सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या की जा रही है, आप बताएंगे, हंटिंग की जाती है और पोचिंग की जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल तुम जूत, चलिए वॉइस कम आ रही है बेटा, एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर ईयरफोन लगा करके आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है ठीक है, सभी को नए साल की खूब सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि एंडेंजर्ड मैमल। अब हम बात करेंगे कि जो संकटग्रस्त स्तनधारी हैं वह इंडिया में कौन कौन से हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह मोस्टली 12 क्वेश्चन, 12 स्पीशीज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर किसके बारे में बता रही हूँ, बर्ड के बारे में नहीं बताया है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों के बारे में बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम में मैमल्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है राहुल। चलो तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो टाइगर, जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में और परसों की क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, तो जो बंगाल के टाइगर हैं वह किस में रखे जाते हैं, संकटग्रस्त स्तनधारी में रखे जाते हैं। और दूसरे नंबर पर क्या आते हैं, एशियाटिक लायन, जिसको आप बब्बर शेर कहते हैं, जिसको कहाँ पर रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात के गिर इलाके में पाया जाता है, और उसको भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त स्तनधारी हम उसको यहाँ पर कहते हैं। मैम क्या सच में कस्तूरी महकती है? हाँ बहुत ही शानदार खुशबू होती है, मैंने मतलब मैंने यूज तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने देखा है और मैंने उसकी उसकी फ्रेग्रेंस भी ली है, वाकई में वो बहुत बहुत ही खुशबू देता है ना। तो हम तो यूज नहीं कर सकते, बहुत महंगा आता है और कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप ये सब चीजें रखते हो तो आप लोगों की नजर में आ जाते हो, क्योंकि ये एक तरह से क्राइम है आज के टाइम पर, है ना। चलिए हाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है सारा सब कुछ मैं बताऊंगी, परेशान मत हो जाओ, ठीक है ठीक है लोकेश। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, इधर हिंदी में है इधर इंग्लिश में है, तो बाघ और एशियाई शेर, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो अब आपका आ जाएगा यहाँ पर लाल पांडा। तो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है रेड पांडा। तो जो रेड पांडा होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, रेड पांडा कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है डोहे एशियाटिक वाइल्ड डॉग या इंडियन वाइल्ड डॉग, दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर इंडियन वाइल्ड डॉग, हिंदी में अगर हम बात करें तो भारतीय जंगली कुत्ता, जंगली
कुत्ता, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह आपका आता है, मतलब सॉरी चौथे नंबर पर। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, बात की जा रही है इल्ड डियर के बारे में। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं इल्ड डियर, इल्ड डियर, ठीक है। चलो फटाफट से निकलो यहाँ पर। इल्ड डियर की अगर आप बात करते हो तो जो आपका इल्ड डियर है वह कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है गोल्डन लंगूर। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, गोल्डन लंगूर, ठीक है। गोल्डन लंगूर जो इसके जो फैदर होते हैं वो काफी गोल्डन कलर के होते हैं, पीले पीले से दिखाई देते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है ये जो आपका है ये है आपका मस्क डियर। क्या है, मस्क डियर। मस्क डियर की अगर हम बात करते हैं तो यही आपका कस्तूरी मृग है, यही क्या है आपका कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग की हम यहाँ पर बात करें तो सब बहुत ज्यादा विशेषता है। पहली चीज कि इनका जो मांस होता है बहुत अच्छा होता है खाने में, ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज यह है कि इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। नेक्स्ट है इनकी खाल बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और इसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जैसे मृगनयनी वगैरह जो टर्म्स यूज करते हैं हम, उपमा लगाते हैं हिंदी में। और इसके साथ साथ इसकी नाभि के पास आपको क्या मिलता है, एक स्पेशल ग्लैंड, एक स्पेशल ग्रंथि मिलती है जिसको क्या कहा जाता है, मस्क कहा जाता है, कस्तूर जिसको कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा खुशबू यहाँ पर आती है। और इसी वजह से इलीगल पोचिंग इसकी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि असंवैधानिक रूप से इसकी तस्करी बहुत ज्यादा की जाती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कस्तूर जो बनता है वह सिर्फ और सिर्फ किसमें बनता है, मेल में ही बनता है, यानी कि जो नर हिरण होगा, जो नर कस्तूरी मृग होगा, उसी में ही सिर्फ और सिर्फ कस्तूर बनता है। और ये भी माना जाता है कि ये अपनी खुशबू से खुद ही परेशान होता है कि यह पूरे जंगलों में अपनी खुशबू ढूंढता रहता है, पर खुशबू कहाँ होती है, इसके खुद नाभि में होती है। राइट, बात समझ आ गई, क्लियर है। चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हिस्पिड हेयर। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है हिस्पिड, हिस्पिड हेयर। तो बेटा ये हिस्पिड हेयर क्या है, खरगोश है, एक तरह का रैबिट है, ठीक है। और जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है, असम में मिलता है। कहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ असम में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हॉग डियर। क्या, इसको क्या कहा जाता है, हॉग डियर इसको यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लॉयन टेल मस्कट, ठीक है, लॉयन टेल मस्कट, यानी कि शेर की पूछ वाला, शेर की पूछ वाला लंगूर, शेर की पूछ वाला लंगूर, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ये भी अब कैसा हो रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल यह है, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। फिर है आपका नीलगिरी थार। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नीलगिरी थार, नीलगिरी थार, तो इसको लिख लो यहाँ पर नीलगिरी थार। नीलगिरी थार की अगर हम बात करते हैं तो थार की जो केवल तीन ही स्पीशीज जिंदा है उसमें से यह जो स्पीशीज है यह आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर आता है खराई कैमल। क्या आता है यहाँ पर, खराई कैमल, खराई ऊंट। अगर आप खराई ऊंट के बारे में बात करते हैं तो यह किस नाम से फेमस है, इंडिया में तैरने वाले ऊंटों के नाम से यह फेमस है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है सोनू। हाँ बिल्कुल सोनू, रिवीजन ही काफी रहेगा आपके लिए यहाँ पर। चलो क्लियर है, बात समझ आ गई। प्रिया उसको बोलने दो, ठीक है, वो अपने घर में अपने मम्मी पापा दीदी भाई बहन सबको ऐसा बोलता है, तो उसने यही सीखा है, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी यहाँ पर कब, 6 बजे, कब, शाम को 6 बजे, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि हरामी मैम, भाई क्यों भाई, क्या कर दिया ऐसा, है ना, खैर नहीं भी किया तो ये अपने संस्कार का पूरा परिचय यहाँ पर देते हैं। आप यहाँ पे विभिन्न तरह के प्राणियों को देख सकते हैं मेरी क्लास में। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही लिखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। कितने बजे, 6 बजे फिर से मिलते हैं। और जो कुछ भी मैंने कराया है यह है आपके मैमल जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके सोमरीत, ठीक है अरुण, चलो तो आज की क्लास को
हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो लोग इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, माता पिता तो देखो सब ही अच्छे संस्कार देते हैं, पर वो बच्चों के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, पर ये लोग अपने घर की बिल्कुल इज्जत खराब करते हैं। खैर, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और ऐसे लोगों को प्रेरणा दे कि ये लोग पढ़ सके। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है लोकेश, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।